इस करवा चौथ नवरात्र दिवाली आप अपनी स्किन को नेचुरल ग्लोइंग बना सकते हैं, वो भी बिना पार्लर गए, है ना मज़ेदार बात। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इस फेस पैक को। तो इसको बनाने के लिए हमने एक आलू लिया है, आलू को धो के घीस लिया है मैंने पूरा, अपर तरह से आलू का जूस निकाल लिया फ्रेंड, देख सकते हैं आलू का जूस मैंने निकाल के रख लिया। उसके बाद हम अपना फेस पैक तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें एक चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इन्ग्रीडियंट है लिक्विडिस पाउडर, जो मुलेठी होता है वो पाउडर है एक चम्मच लिया है, और एक चम्मच मैंने चंदन पाउडर लिया है। थोड़ी सी इसमें हल्दी डाला है मैंने, हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के सारे पाउडर जब मिक्स हो गए हैं, उसके बाद इसमें हम जो पोटैटो जूस निकाला है हमने उसी से इसका पेस्ट तैयार करना है। देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी इसमें डाल के इसका अच्छा सा एक पेस्ट बनाऊँगी, ताकि आपकी स्किन पर जो अच्छा सा लेप आ सके। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो पेस्ट है तैयार हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं, उसके बाद हम अपने फेस को पहले क्लीन करेंगे। देख सकते हैं मैंने फेस वॉश किया है, उसके बाद क्लीन फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। ये आपके स्किन पे अगर पिगमेंटेशन है, अगर आपको पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, अगर आपको सनबर्न हो गया है या आपको डलनेस आ गई है, तो ये सबको रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें पोटैटो जूस डाला है हमने, वो आपके दाग धब्बे को रिड्यूस करने में बहुत ही फास्ट काम करता है। फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने चंदन पाउडर डाला है, मुल्तानी मिट्टी डाला है, ये आपके स्किन को नेचुरल ग्लोइंग बनाएंगे और आपकी स्किन को टोनिंग भी करेंगे। आप एक बार ये पैक लगा के देखिए, आपको पार्लर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको वीक में 2 से 3 बार आप यूज़ करिए, देख सकते हैं इसको 15 से 20 मिनट रखने के बाद देख रहे हैं सूख गया है। इसको पानी के छींटे मार के हम गीला करके उसके बाद इसको स्क्रब करेंगे, इससे क्या होगा जितनी भी हमारी स्किन की गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। देख सकते हैं स्किन की जितनी भी मैल है धूप है सब निकल गई, और हमारी स्किन जो है नेचुरल ग्लोइंग हो गई। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और किस तरह के वीडियो देखना है वो भी कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड।